लॉकडाउन के दौरान भी शराब पीने वाले और बनाने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आबकारी विभाग बेचने व बनाने वालों पर कार्यवाही कर रहा है। महू क्षेत्र में कच्ची शराब और महुआ जब्त किया गया। थाना सिमरोल, चोरल तथा महू के ग्राम छपरिया, नाहर कोदरा, नाहर खेड़ी तथा अन्य स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई और पाताल पानी में नाले किनारे व नहर के पास कच्ची शराब जब्त की गई। प्रभारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि 8 जगह छापेमारी में आबकारी अधिनियम के साथ प्रकरण बनाए गए मौके से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 120 लीटर शराब जब्त की गई। इसके साथ ही 20 क्विंटल महुआ मौके पर नष्ट किया गया। जब्त शराब की कीमत 2,35,000 रुपये बताई जा रही है। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान कलेक्टर महोदय और सहायक आयुक्त आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी साहब के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ शुरुआत से ही कार्रवाई जारी है, जिसमें आज वृत्त महू के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न ग्रामों में और विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दी गई, जिसमें सिमरौल के कुछ क्षेत्र थे, नाहरखेड़ा, नाहरखेड़ी, छापरिया नाले के किनारे, यहाँ पर हमें अवैध मात्रा में हाथ भट्टी शराब बनने जैसी जानकारियां प्राप्त हो रही थी, जिसके सूचना के आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए गए, जहां पर हमको लगभग 2000 किलोग्राम लहान और लगभग 120 लीटर हाथ भट्टी की मात्रा मिली, जिस पर हमने कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। नहीं, ये जानकारियां हम लोगों के पास आती रहती है, जिसे हम मुखबिर तंत्र कहते हैं। मुखबिर तंत्र के आधार पर हमें बीच बीच में ये सूचनाएँ आती रहती हैं, जिस पर हम एक योजना तैयार कर अपनी दबिश देते हैं या कार्रवाई करते हैं और प्रकरण पंजीबद्ध करते हैं। नहीं, उस समय गाड़ी हम लोगों की जब जा रही थी तो ऐसा लगा कि शायद वहाँ कोई उपलब्ध हो, लेकिन जो हों शायद गाड़ी की सूचना मिलते लोग भाग गए, वहाँ पर कोई भी आरोपी इस समय पकड़ा